हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इंटरनेस्ट में वेलकम है। गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मतलब जो भी एमएड कर रहे हैं उनके लिए ये सेकेंड सेमेस्टर एमएड सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट क्वेश्चन आप के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोग अगर एमएड कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पेपर का नाम है CC5, सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये मेरे कॉलेज का नाम है और यहाँ पर मैं खुद से इसको ड्रॉ की हूँ सारी चीज़, और इसमें सब डिटेल लिखी हूँ, सब्जेक्ट का नाम और किसको सबमिट करना है और कौन सबमिट कर रहा है और सारी चीज़। तो फिर आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिला है प्रत्येक असाइनमेंट सब्जेक्ट में, तो अस्तित्ववाद एवं शिक्षा पर इसके प्रभावों की विस्तार से चर्चा करें। इसका इंट्रोडक्शन है अस्तित्ववाद से अभिप्राय, परिभाषा, शिक्षा पर अस्तित्ववाद के प्रभाव, फिर कंक्लूजन। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के सिद्धांतों एवं शिक्षा पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। फिर इसमें जो पॉइंट लिखी हूँ, इंट्रोडक्शन सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा, सांख्य दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, सांख्य दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा, सांख्य दर्शन की परिभाषा। सांख्य दर्शन और शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा को देन या शैक्षिक निहितार्थ, फिर निष्कर्ष। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लिखी हूँ, आप देख सकते हैं। आप लोग नोट्स बना के रख लीजिएगा जिनको भी जरूरत होगी। अभी अभी मेरा मतलब असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, इतना सारा चीज तो मैं वीडियो बना रही, क्योंकि कल फिर मुझे सबमिट करने जाना है कॉलेज। यहाँ पे देखिए अस्तित्ववाद की परिभाषा और जो साइकोलॉजिस्ट है उन सब का नाम भी लिखी हूँ शास्त्री के अनुसार। आज आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में एक क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।